गीता बाली की जीवनी। गीता बाली, जिनका जन्म 1930 में अमृतसर, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में हरकीर्तन कौर के रूप में हुआ था, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र में फिल्म द कॉबलर 1942 में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनकी प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें मुख्य भूमिकाओं में धकेल दिया, जिसमें बदनामी 1946 में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उनकी शुरुआत हुई। 1950 के दशक में बाली का करियर फला फूला, जिसके दौरान उन्होंने खुद को अपने समय की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने करियर के दौरान 75 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें एक अभिनेता के रूप में उनकी असाधारण रेंज दिखाई गई। उन्हें सोहाग रात 1948 और बड़ी बहन 1949 जैसी फिल्मों से सफलता मिली। बाली की स्वाभाविक अभिनय शैली, बेदाग कॉमिक टाइमिंग और भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित करने की क्षमता ने उन्हें अपने समकालीनों के बीच अलग खड़ा कर दिया। उनकी कुछ सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में बावरे नैन 1950, अलबेला 1951, बाजी 1951, जाल 1952, आनंद मठ 1952, वचन 1955, मिलाप 1955, फरार 1955, जेलर 1958 और मिस्टर इंडिया 1961 शामिल हैं। उनके अभिनय को आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिससे उन्हें 2 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिले, वचन 1955 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और कवि 1955 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। बाली का निजी जीवन उनके पेशेवर जीवन जितना ही घटनापूर्ण था। 1955 में मिस कोका कोला की फिल्मिंग के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता शम्मी कपूर से हुई। रंगीन रातें में साथ काम करने के 4 महीने बाद ही उनके रोमांस ने शादी का रूप ले लिया। इस जोड़े ने मुंबई में मालाबार हिल के पास बाणगंगा मंदिर में विवाह किया। उनके 2 बच्चे थे, बेटा आदित्य राज कपूर जिसका जन्म 1956 में हुआ और बेटी कंचन कपूर जिसका जन्म 1961 में हुआ। अपने समय की कई अभिनेत्रियों के विपरीत, जिन्होंने शादी के बाद अपना करियर छोड़ दिया, खासकर जब वे शानदार कपूर परिवार में शादी कर रही थी, बाली ने अभिनय करना जारी रखा। उन्होंने अपने पति के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मिस कोका कोला 1955, रंगीन रातें 1956 और कॉफी हाउस 1957 शामिल हैं। रंगीन रातें में उन्होंने अपनी गायन प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। दुख की बात है कि गीता बाली का जीवन और करियर चेचक की बीमारी के कारण खत्म हो गया। 21 जनवरी 1965 को 35 वर्ष की कम उम्र में उनका निधन हो गया और वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो अभिनेताओं और फिल्म प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय सिनेमा में बाली का योगदान अतुलनीय है। उन्हें न केवल उनके अभिनय कौशल के लिए बल्कि उनके जीवंत व्यक्तित्व और स्वाभाविक आकर्षण के लिए भी याद किया जाता है। कॉमेडी से लेकर ड्रामा तक विभिन्न विधाओं में उत्कृष्टता हासिल करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया। अपने पति शम्मी कपूर की प्रतिष्ठित नृत्य शैली पर बाली के प्रभाव को अक्सर देखा जाता है। उनके बेटे ने टिप्पणी की कि शम्मी का नृत्य गीता के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आज गीता बाली को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनके अभिनय को उनकी प्रामाणिकता और भावनात्मक गहराई के लिए सराहा जाता है। उनकी प्रतिभा और प्रभाव को मान्यता देते हुए उन्हें 2022 में आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया गया। गीता बाली का जीवन और करियर हालांकि संक्षिप्त था, लेकिन भारतीय सिनेमा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसने सिल्वर स्क्रीन की एक सच्ची किंवदंती के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी।